सो गाइस, जो है अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जानते ही हैं कैसा सिचुएशन है, लेकिन फिर भी हम आपको हॉस्टल्स दिखा रहे हैं अभी क्या माहौल है एमयू में। देख पा रहे हैं अभी ये जो है ना जामा मस्जिद वाला जो ये है, और नॉर्थ साउथ दोनों तरफ गेट है इसका। आप एंट्री जो है ना दोनों तरफ से हो जाता है आपका। हाँ, ये जामा मस्जिद काफ़ी ब्यूटीफुल है। उसके बाद यहाँ पर मुश्ताक मंजिल है, दिख रहा होगा। ये गेट है, काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है अभी। और देख पा रहे ये हॉस्टल्स हैं, है ना, हॉस्टल। इधर सामने जो है गार्डन वगैरह है, फूल लगे हैं जो है फ्लावर्स का, हर तरह का, और सब काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा इधर आपको। और ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड वगैरह हैं, जगह जगह पे वाटर कूलर लगा हुआ है, है ना। आगे रूम्स हैं, पूरा हम चारों तरफ से देखें, काफ़ी ब्यूटीफुल है गाइज, देखते रहिएगा। उसके बाद स्ट्रेची हॉल, विक्टोरिया गेट सब कुछ आपको दिख जाएगा कहाँ पे क्या है। और आप देख पा रहे हैं दूर दूर तक कोई नहीं नज़र आ रहा आपको, बहुत कम स्टूडेंट है ही नहीं, मतलब ना के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे पूरा भीड़, इतना ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता था। यहाँ पे बार्बर शॉप है ना, और देखते रहिए आप, पूरा दिखेगा फिर हम इस। ये आपका विक्टोरिया गेट है, इसको हम सामने से देखेंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा, आप वेट कीजिए। सो गाइज, ये आ गए हम लोग ईस्ट वाला विंग पे, ये ईस्टर्न पार्ट है, है ना। चारों तरफ से ऐसे, मतलब चारों तरफ से जो है हॉस्टल बना हुआ है ना। और इधर जो है आपको यहाँ कैंटीन दिख जाएगा अभी, जो कि सब कुछ बंद है ना। ये कैंटीन है इधर हॉस्टल का, सभी हॉल में एक एक करके कैंटीन भी है। और आप देख रहे हैं जगह जगह वाटर कूलर भी लगा हुआ है अंदर से, काफ़ी ब्यूटीफुल लगा। इस ये मैंगो ट्रीज हैं, और उधर वाला कैंटीन के पास जो ट्री है मैंगो का, वहाँ पर काफ़ी सारा आम भी है। अच्छा सिखाते हैं इधर, देख पा रहे हैं आप हॉस्टल काफ़ी पुराना है गाइस। यहाँ पे कौन कौन बनाया है ये सब रूम को जो है ना, उसका नाम भी मेंशन है गेट के ऊपर में जो है ना, फ्रंट पे लिखा हुआ हर रूम में। अब आ गया काफ़ी ब्यूटीफुल, देख रहे हैं आप, देखिए सबसे ब्यूटीफुल जो है ना। अभी थोड़ा सा हाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी ना, वैसे फिर भी क्लियरली दिख रहा होगा। देख रहे, काफ़ी ब्यूटीफुल है, कोई नहीं है, ये लोग बाहर से आए जो तीन लोग वहाँ बैठे हैं, तो आई थिंक नहीं नहीं शायद कहाँ के हैं जो, खैर जो भी हो। अब देख पा रहे हैं स्ट्रेची हॉल, देखिए अब आप देख रहे हैं, देखिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे विक्टोरिया गेट वाला जो रूट है ना वो देखेंगे। अभी आप स्ट्रेची हॉल देख पा रहे हैं, पूरा स्ट्रेची हॉल देख लीजिए, यहीं से सारा फंक्शन यहीं पे होता है। हाँ, ये आपका विक्टोरिया गेट है। हाँ देखें कितना ब्यूटीफुल है, हाँ विक्टोरिया गेट, इसलिए मैं वहाँ से नहीं दिखाया। आप देखिए कितना, फिर यहाँ से हम लोग जो है ना ये क्या बोलते हैं आपका स्ट्रेची हॉल भी देखेंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा गाइज। ये देखिए अभी कितना खूबसूरत है ना, ये ऐसे हॉस्टल में एमयू के स्टूडेंट रहते हैं, लोग ऐसे घूमने जाते हैं कहीं तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे हॉस्टल में रहते हैं लोग, तो स्टूडेंट कितने ब्राइट होंगे यहाँ के, सोच सकते हैं ना। तो गाइज कोई भी यहाँ पे रह रहा है तो मतलब कुछ न कुछ तो खास है, यहाँ आने के बाद उसमें खास हो ही जाता है, ऐसे लोग तो आते ही नहीं है सबसे पहले, है ना, आपको पता ही है कि छठ के आता है। ये विक्टोरिया गेट, यही जो घड़ी है ये, मतलब टाइम होने पर ये बजता है जब पूरा कम्प्लीट टाइम होता है। अभी मगरिब होने वाला है ना, मगरिब का टाइम। अब देखिए यहाँ से आपको स्ट्रेची हॉल देखिए स्ट्रेची हॉल यहाँ से, काफ़ी अभी थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है इसलिए क्लियरली नहीं दिख रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल रूट है। ठीक है गाइज, यही इतना ही है, आई होप कि आप देख लिए होंगे पूरा। चलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है, आप सब्सक्राइब कर लेना। ये था आज का टूर जो था वो आपका एक हॉल का है, और सिर्फ हमने चारों तरफ से रोड से देखा, अंदर में कुछ नहीं देखा, अंदर में वैसे सब कुछ दिख ही गया होगा आपको, है ना। और फिर हम लेके आते रहते हैं वीडियो आपके लिए। ओके गाइज, ये एक हॉल था जो सर सैयद हॉल साउथ, एसएस साउथ, है ना, एसएस नॉर्थ भी है, किसी दिन दिखा देंगे आपको, अभी लेकिन अभी कोई नहीं है गाइज, बहुत कम स्टूडेंट है। ठीक है, बाय बाय।